हरे कृष्णा श्रीमद गीता अध्याय चौदह श्लोक संख्या छे तत्र सत्वम निर्मलत्वात् तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम् प्रकाशम अनामयम् प्रकाशकम अनामयम् शुद्ध सुख न बदनाती ङ्गेन ज्ञानसङ्गेन चानग ज्ञानसङ्गे न च श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय चोगदा श्लोकसङ्ख्या छे तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं तत्र प्रकाशकम अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन

तत् तत् शक्तम निर्मलत् स्यात् तकम साकम अनाम्यं दुःख संगेना धांती ज्ञान संगेना च अनग वेरी नाइस ब्रो गुड और व्हाट इज कृष्णा तत् तत् निर्मलत्वाते प्रकाशतम अनाम्यं दुःख संगेना विनाति जय सत संग हरे कृष्णा हरि बोल वेरी नाइस यस yes. और पढ़िए जिनको पढ़ना है अरे कृष्ण तत्स्वत्त्वं निर्मलत्वात् आवाज नहीं आ रही है क्या संतोष जी और किनको पढ़ना है आवाज आ रही है यस yes, यस yes, पढ़िए तत्सत्त्वं मूल पाठ प्रकाशित अनना सुख सबि निर्भ्रांति ज्ञान संगेत चाना चानागनु चाणक ओके गुड ध्रुव प्रभु अब पढ़ेंगे हरि ओम प्रभु जी एक मिनट ध्रुव प्रभु माता जी को मैं बोलूंगा ध्रुव प्रभु नो एनीवन एल्स इन प्रभु जीस अरे कृष्ण प्रभु जी या तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम प्रकाशकम् नामयम् सुखसंग

सॉरी हरे कृष्ण प्रभुजी त्रमलवा प्रकाशे कामना चाद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु त्र सल्व प्रकाशकमलाम सुख संगे न बध्नाती

हरे कृष्णा प्रभु जी तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयं सुखसंगे न बधनाति ज्ञानसंगे न चानघः हरे कृष्णा हरे जी yes. yes. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयम् सुखसंगे न बधनाति ज्ञानसंगे न चानघः हरे कृष्णा

हरे कृष्ण और किन्हीं को पढ़ने ओके तो कंटिन्यू सत्वम भौतिक जगत में शुद्धतम निर्मलत्वाद भौतिक जगत में शुद्ध शुद्धतम होने के कारण प्रकाश कम प्रकाशित करता हुआ अनामयम किसी पाप कर्म के बिना सुख सुख की संघेना संगति के द्वारा बदनाति बांधता है ज्ञान ज्ञान की

तथा ज्ञान के भाव में बन जाते हैं जगत की अरे कृष्णा आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं Close the gate. <coughs> तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चौदवें अध्याय में और इससे पहले या, ध्या, या ध्यान देवे कि इस जगत में सतोगुण रजोगुण या तमोगुण कभी भी प्योर अवस्था में नहीं होता है समझ रहे हैं मतलब एकदम शुद्ध अवस्था में कि भाई सतुगुण है रजोगुण है तमोगुण है एकदम एकदम प्योर समझ रहे हैं ना उस प्रकार से नहीं होता है नहीं होती है सतु गुण के संग कुछ कुछ रजोगुण होता है कुछ कुछ तमोगुण मिक्स होता है तो तमोगुण के साथ कभी कभी कुछ रजोगुण मिक्स होता है कभी सतुगुण मिक्स होता है है ना कभी रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है और रजोगुण के साथ कभी तमोगुण और तत्गुण होता है तो इस प्रकार से यह क्या होता है मिक्स रहता है कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं होता है। क्या समझा शुद्ध नहीं रहता है शुद्ध अवस्था है कौन सा वासुदेव अवस्था त्रिगुनातीत अवस्था वो अलग है उसकी व्याख्या आगे करेंगे तत्र उन गुणों में मतलब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए तत्र तत्र मतलब उन गुणों में मतलब जिनकी व्याख्या की गई नीचे ही रखिए आंख हाँ में लग रहा है। या फिर ऐसे करके ऊपर तो उन गुणों में जिनकी व्याख्या की गई यानी सतो गुण सत्वम निर्मलत्वात निर्मल होता है अमल होता है शुद्ध होता है है ना तत्र मतलब उन गुणों में तीनों गुण होते हैं उन गुणों में सत्वम सतोगुण निर्मलत्वात निर्मल होता है अमल होता है और शुद्ध होता है प्रकाशकम अनामयम प्रकाश मतलब ज्ञान देने वाला तो वस्तुओं को क्या होता है जो में होता है क्या होता है उसको वस्तुओं को ठीक से देखने देखिए मतलब है? जीव, है, प्रकृति है, प्रकृति जीव सभी है, है अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों में क्या है अवस्थित है कर्मानुसार वह विभिन्न विभिन्न शरीरों में अवस्थित है और परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में इस प्रकार की दृष्टि है और आपको पता है कि इस संबंध में तो दिक्कत है और आपको पता है इस संबंध में प्रपात जी का एक बहुत सुन प्रसिद्ध वीडियो है जहां पर आप बात कर रहे होते हैं एक पादरी से तो शिल्रपात उनसे पूछते हैं आप मांस क्यों खाते हो तो पादरी कहते हैं क्योंकि हम यह नहीं मानते जानवरों में आत्मा होती है तो यह क्या है क्या है ये बताइए कौन से गुण है ये कौन सा गुण है कौन सा तमोगुण है ना कौन सा गुण है तमोगुण है तमो है है ना इसको समझना पड़ेगा कि वह तमोगुण है उसका इस प्रकार से है ना अब देखिए मतलब या आत्मा जानवर में आत्मा नहीं होती है ये तमोगुण है घोर तमोगुण है ये तमोगुण ही नहीं है एकदम घोर होता है ना एकदम अंधेरा वैसा घोर तमोगुण है यथावत देखने की स्थिति नहीं है लेकिन सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है वो यथावत देख पाता है यस yes, वो आत्मा को देख पाता है जैसे सुक्रेटस सुक्रेटस का नाम सुना आप लोगों ने सुक्रेटस आप लोग सुक्रेटस का नाम सुने ऑनलाइन थिंक सुने होंगे कुछ आप लोगों में से सुना है ना आप लोगों ने सुक्रेटस का नाम आ, क्या कहते हैं उसको तो जो भी हो आप, आप उतना मुझे, अच्छा आप गया गया। नहीं जी। मुझे नहीं पता मेरी प्रोनाशिएशन उतनी अच्छी नहीं है तो सुक्रेटस ऐसे हम लोग बोलते थे बचपन में उसकी एक दो स्टोरी भी आती थी, थी बुक में तो सुक्रेटस को लोग मारने के लिए आए तो क्या कहते हैं अरे मारोगे तो मुझे बाद में पहले पकड़ के तो दिखाओ बुक चाहिए तो मिल गया वो मोबाइल में तो मारोगे तो बाद में पहले पकड़ के दिखाओ है ना आप देख सकते हैं कि शतुगुन इतना बड़ा हुआ था कि वह समझ रहा था कि वह आत्माए वो यहां तक नहीं पहुंच पाया था कि कृष्ण भगवान है लेकिन हाँ इतना जान गया थे कि हम हम क्या है मोबाइल फोन है क्या है हम क्या देख रहे मोबाइल में हो हम आत्मा है इतना वह जान गया था तो बोलते मारोगे तो बाद में पहले पकड़ के तो दिखाओ बाद में उसे मार दिया गया लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था अनामयम अब यहां क्या कह रहे हैं यनामयम प्रकाशकम अनामयम यामय मतलब होता है बीमारी और अनामयम का मतलब होता है बीमारी से रहित मतलब जो सात्विक जीवन जीता है वह स्वाभाविक रूप से बीमार भी नहीं होता है ठीक है अब चलो यह सब तो हो गया इसके फायदे निर्मल है आपको ज्ञान देने वाला है स्वस्थ रखने वाला लेकिन ये सब देखिए यहाँ पे गुण की व्याख्या हो रही है तीनों गुण की व्याख्या होगी लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर गुण की व्याख्या हो रही है और गुण की व्याख्या में आगे हम लोग तीनों गुण की व्याख्या करेंगे लेकिन अब सत्व गुण का ये तो बता दिए इसके बेनिफिट अब इसके देखिए क्या कर रहे हैं लेकिन सुख संघे न क्योंकि सुखी हैं, आप बीमार नहीं हैं, अन्य लोगों से अधिक ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, जीवन में कोई भोग की इच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे अरे मैं तो अच्छा हूं कभी कभी इस चीज को आप देख सकते हैं कि जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं या तमोगुण के व्यक्ति होते हैं वह भक्ति में आ जाते हैं ना देखा है कभी ऐसा कि वह 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 रजोगुण में 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 है 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 और लेकिन भक्ति में आ है. क्यों आ जाता जाता क्यों क्यों हाँ, अपने आप को हीन समझता है अरे मैं तो बेकार हूं हूँ मुझे भक्ति में आज मुझे अवसर मिल रहा है तो मुझे भक्ति कर लेना चाहिए लेकिन जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है वह क्या सोच अब जाओ उसे बताओ कृष्ण भगवान है हरे कृष्ण महावत कौन बोलता है कृष्ण भगवान है तुम जिसको मान लो वही भगवान तुम्हारे हृदय में होना चाहिए मतलब इस प्रकार से कुछ अधिक ही चढ़ उनको शत्रु <laughs> की नशा कुछ अधिक ही चढ़ <laughs> बोला चाहिए <चीज़> था ऑफ कोर्स <laughs> क्या बोले कृष्ण भगवान है नहीं <laughs> <laughs> प्रभु जी बोल रहे हैं कि एक पंडित जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अरे कृष्ण भगवान है तो क्या बोलते हैं तो भोरेनाथ क्या पानी भरते हैं <laughs> तो ये अद्भुत अवस्था है कि मैं वो नहीं कह रहा था मैं ये खाली कहने की बोल रहा था कि भाई सतोगुण व्यक्ति क्या होता है भक्ति में जल्दी से नहीं आता है बस समझता है कि अरे आम तो देखो सुख भी है हमको बुद्धि भी है अगरबत्ती और पूजा भी कर ही लेते हैं तो हमारा भक्ति यही हो गया है ना वही आप रजोगुण वाले के के पास पास वाले जाओ तो तो हम हैं भगवान की कृपा से हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए मिल रहा है तो कर लेते हैं वही आप पंडितों को बोलो तो अरे क्या बोल रहे नहीं होता है तो जो लोग थोड़े धार्मिक है वो सोचते हैं हम ठीक है हम तो ठीक है आप उनको बताओ ना हम तो ठीक है हम दान कर रहे हैं देखो हम गीता मतलब हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं है ना माता जी बता रही थी कि भाई हम गीता पढ़ रहे थे तो हम मुझे बताया अरे इससे तो लड़ाई होता है क्यों पढ़ती तो, ना देख रहे ना इस प्रकार से ये सारे चीजें इस प्रकार से फैली हुई है है ना और ये बहुत कॉमन फैला हुआ ये उस माता जी के साथ नहीं मेरे साथ ही मुझे ही बहुत लोगों ने बोला अरे भगवद गीता पढ़ते हो इससे लड़ाई हो जाएगा नहीं पढ़ना चाहिए अभी से घर छोड़ दोगे भागना पड़ जाएगा अरे बाप रे बाप, मैं तो डर गया बोले क्या क्या पका रहे इस प्रकार की बेवकूफी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ध्यान देना चाहिए इस प्रकार से कोई नहीं है ठीक है तो ठीक है आप उनको बताओ क्या कहते हैं? है बेवकूफों को कौन समझाने के लिए जाए इसलिए ज्यादा उनके साथ दिमाग नहीं लगाना चाहिए ठीक है ना तो तो आप उनको बताओ हम तो ठीक हैं ठीक है वो उनको बोलेंगे हम उनको बताते भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र करो कृष्ण भगवान है तो कहेंगे हम तो ठीक है हम तो दान दे रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं आप उनको बताओ उन गरीबों को बताओ इनको बताओ उनको बताओ तो इस प्रकार से वो लोग बाप करते बोलते हैं तो कहेंगे क्या दान देना भक्ति नहीं है कहिए तो उसे नहीं नहीं है पुण्य हो सकता है दान करना लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है अब उस संबंध दिखना पड़ेगा संबंध भी दिखना पड़ेगा वह हिस्ट्री ज्योग्राफी फ्री में पढ़ा रहा है ये दान कर रहा हूं देखो बच्चों को पढ़ा रहा हूं है? या फिर इलाज करा रहा है वो किसी का देखिए इसको पुण्य में काउंट हाँ भाई ठीक है तुमने इलाज करा दिया उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कभी लेकिन आप उसको कृष्ण के संबंध में तो नहीं कर रहे ना तो अगर कृष्ण के संबंध में नहीं कर रहे तो फिर वो भक्ति नहीं है ना कहा लिखा है बताइए कि भाई हाँ इसने इलाज करा दिया तो या आ, क्या कहते हैं नहीं पढ़ा दो या फिर कोई इतिहास भूगोल ज्योग्राफी पढ़ा दे हम फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं हम बहुत धार्मिक आदमी हो गए यस yes, उसका कर्तव्य उसे पढ़ाना लेकिन उसी को बोल रहा है कि मेरा धर्म हो गया तो धर्म नहीं है है ना तो वो कहते हैं ठीक है मैं बढ़िया हूं आगे वाले को देखो फिर ज्ञान संज्ञ न ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान वह नहीं करना चाहता है लेकिन वह शतुगुण प्राप्त कर लेता है तो शतुगुण प्राप्त करने के लिए वैसे कर्म करता रहता है और वह इस प्रकार से जगत में क्या होता है बंध जाता है समझ रहे हैं क्या होता है बंध जाता है चा अनग ठीक है आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि भगवान के संबंध में रह करके मदद करिए अब भगवान के संबंध में रह करके कैसे मदद किया जा सकता है कैसे मदद किया जा सकता है कोई भूखा है तो उसको आप भगवान के संबंध में कैसे मदद करेंगे बताइए तो ये उसे प्रसाद खिलाकर के लेकिन अगर आपने उसे अन्न खिलाया तो डायरेक्ट बिना भूख लगाया हुआ तो वो पुण्य आ गया और उसको लेने के लिए आपको आना पड़ेगा ठीक है ना अब किसी ना किसी रूप में आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा लेकिन वहीं पे अगर भगवान का प्रसाद दे दिया तो आपको फिर से दोबारा आने की जरूरत नहीं वो भक्ति में काउंट आ गया ठीक है और वैसे भी इस दुनिया में सबसे अच्छा मदद क्या है भगवान कृष्ण के विषय में बताया जाए और जितना यह बात समझ में आ जाए उतना क्या है हमारे लिए अच्छा आपको खाना ही देना है तो दो लेकिन भोग लगा करके तो आप किसी के ऊपर मतलब अतिशय कृपाज करना चाहते हो सबसे अधिक कृपा करना चाहते हो तो उसे क्या करना चाहिए कृष्ण के विषय में बताना चाहिए समझ रहे वास्तव में ये कल्याण है भगवान के संबंध में ज्ञान है आप समझिए ना इसको साधारण लीजिए आप मान लीजिए ऋषभ प्रभु आप मेला में खो गए आप छोटे बच्चे थे आपको नहीं पता अब उधर से किशन प्रभु आए ये लो बेटा आइसक्रीम आप खुश हो जाएंगे पें 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 मेरे मेरे मम्मी तो 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 चॉकलेट नहीं चाहिए मेरा घर कहा है रोगे कि नहीं रोगे बताओ मेरे को बहुत लोग मदद करने के लिए आएंगे चलो बेटा तेरे को झूला झूला देता हूं फिर भी आप झूले पर भी बैठे हो फिर भी कर रहे हो टे करते रहोगे टें आपका बंद होने वाला नहीं है तो, समझ रहे ना मेरी बात को टैटी जो है आपको नहीं है और पेपे करते ही रहोगे तो मेरा खाली कहने का अर्थ है कि तब तक आप पेपे करके रोते रहोगे जब तक कोई व्यक्ति आ करके आपको नहीं बता दे अरे तुम उनके पुत्र हो तुम खो गए हो यहाँ पर ये देखो तुम्हारा घर है इस ट्रेन में बैठ जाओ तुम पहुंच जाओगे अथवा तो ये बस में बैठ जाओ पहुंच जाओगे या फिर वो खुद की गाड़ी करके आपको पहुंचा देवे तो क्या हो जाएंगे आप उस किशन प्रभु भी आपकी मदद किए आदर्श प्रभु भी मदद किए ये अन्य व्यक्ति भी आपकी मदद किए लेकिन इन लोगों का मदद क्या हुआ क्या काम का हुआ आपका बताओ मेरे को कोई काम का नहीं आपका जो रोना था वो बंद हुआ नहीं बंद हुआ रोना कब बंद हुआ जब आपके माता-पिता से मिला दिया गया तो आप किसी को भ... भोजन दे दो थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिल सकती है कुछ कपड़े दे दो थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिल सकती है इलाज करा दो

ठीक है तो आपको खाना देना ही है उनको तो भगवान को भोग लगा भोगला खाने के लिए दो आप किसी के ऊपर सबसे अतिशय कृपा करना चाहते हो तो उसे कृष्ण के विषय पर ठीक है और इस दुनिया का ज्ञान दे देंगे हम उसको ये पढ़ा देंगे हम उसको पढ़ा देंगे ऐसा कर देंगे हम फ्री में ये पढ़ा दिए ये कर दिए वो कर दिए तो उसे क्या हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा प्रपा जी की बात है को अगर हम देखें तो प्रपा जी क्या कहते हैं कि यह जो ज्ञान इस संसार में दिया जा रहा है वह क्या एक उग्र ज्ञान लाआउटर हाउस एजुकेशन बोलते हैं जिससे कहीं पर भी भगवान की चर्चा नहीं है आप नर्सरी से लेके इतना दिन तक पढ़ लिए ना कहीं पर भगवान की चर्चा आई आपके बुक में उल्टा आपको यह सिखाया जा रहा है कि भगवान है नहीं बार बार यही चीज बोला जाता है कि कृष्णा है नहीं इसलिए तो बोलते हैं कि लोग हमारा देखो हमारा लड़का पढ़ा लिखा है तो भी भगवान को मानता है मतलब क्या है पढ़ा लिखा आदमी तो भगवान को नहीं मान सकता है क्या नहीं मानना चाहिए उसे क्या या कहते हैं आई आई टी एन है देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फिर भी भगवान को मान रहा है भक्ति कर रहा है मतलब पढ़े लिखे लोगों को भक्ति नहीं करनी चाहिए या तो केवल गांव के लोगों को जो एकदम बेकार है जो, है जो कुछ नहीं कर पा रहे ऐसे लोगों को करना चाहिए ऐसा है क्या नहीं ठीक है ना ध्यान देना होगा जो कार्य गुणों से हम बनने वाले हैं उसके विषय में और ज्ञान देकर हम व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते और इसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है उससे अधिक प्रिय ना कोई भगवान को था और ना कोई है और ना कोई होगा ठीक है तो सभी के वचन एक तरफ और भगवान के वचन एक तरफ आगे बढ़ते हैं हे निष्पाप सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुखता ज्ञान के भाव में बन जाते हैं ठीक है क्या बन जाते मैं सुखी हूं मैं ज्ञानी हूं गीता भूषण टीका भगवान यहां तीन श्लोकों में तीनों गुणों के लक्षणों को कहेंगे और यह बताएंगे कि किस प्रकार यह भिन्न भिन्न तरीकों से जीवों को बांधने वाले होते हैं ठीक है आज हम ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पे आज कौन से विषय में सुख रहे हैं कौन से गुण का सीख रहे हैं तत्व गुण के विषय में सुख सीख रहे हैं ध्यान रखिएगा इसको ठीक है इन तीनों में तत्र तत्व ज्ञान प्रकाश और सुख उत्पन्न कराने करने वाला है जो दुख के विपरीत है अमानयम अर्थात स्वास्थ्य जो सत्व की शुद्धता से उत्पन्न होती है आमय का मतलब क्या बताया बीमारी और यना यना आमय मतलब क्या बताया बीमारी से रहित होना ठीक है तो सत्व गुण के तीन लक्षण क्या क्या हमने सीखे ज्ञान सुख और स्वास्थ्य ठीक है ना ज्ञान सुख और स्वास्थ्य इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि सत्व गुण में व्यक्ति रहता है तो उसके ये तीन चीज बहुत अच्छे से रहता है ठीक है क्या क्या ऑनलाइन डिवोटीज क्या क्या हाँ सुख और स्वास्थ्य गुड ज्ञान सुख स्वास्थ्य गुड ज्ञान सुख स्वास्थ्य जो सत्य गुण में रहता है तो अब देखिए अब, nice तो अब देखिए अब इसका बहुत बड़ा संबंध है हमारे हरिणाम जब से बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है देखिए इसका तो हमारे डेली के लाइफ से भी है लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम जब करना इसलिए मैं भगवान के नाम के ऊपर इसको चर्चा कर रहा हूँ आप लोग तो देखिए अच्छे से बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की अवस्था आवश्यकता है साधना रोज हम एक ही टाइम पर इसलिए करते हैं क्यों ताकि हमारे चित्त में सतुगुण की वृद्धि हो हमारे हृदय में सतुगुण की वृद्धि हो लेकिन अब यहां पे ब्रेक लगाइए ब्रेक लगाकर यह सुनिए कि भाई आप प्रयास तो कर रहे हैं रोज एक अवस्था में करने के लिए लेकिन फिर एक दिन करेंगे दो दिन करेंगे चार दिन करेंगे और जब सतुगुन थोड़ा सा अच्छा होगा तब तक तमोगुण रजोगुण या माया देवी हमला बोलेगा और आपको बोलेगा अरे बेटा आज सो जाना आज कहा जा रहा है ऋषभ डेली गीता क्लास में कोई जाता है तीन दिन बहुत है क्या समझे है ना ऐसा वो बताएगा अरे डेली जब करता है कोई देखो रजाई के अंदर कितना आनंद है, है? बाहर कितनी ठंडी बह रही है हवा चल रही थी ना आते वक्त, चल रही थी हवा अच्छा असर नहीं कर स्वेटर पहने थे साइकिल चला रहे थे ओके तो असर नहीं कर रहा था तो मैं खाली बोल रहा कि उसमें ये करता है लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अगर आप उसी कार्य को डेली 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 करते रहेंगे तो आप सतुगुण की अवस्था में उपस्थित हो जाएंगे और फिर जो ये मन के जो विकार आ रहे थे जो आपको व्यवधान प्रकट कर रहे थे वो व्यवधान क्या हो जाएंगे हट जाएंगे ठीक है आदत पड़ जाएगा जब सतुगुण वृद्धि होगी तो हरिणाम करने में जब करने में बहुत सुख का अनुभव होगा भक्ति करने में अच्छा होगा और फिर आप उन्हीं कार्यों को रेगुलर रेग्युलर करने की आसक्ति आ जाएगी आपकी मुझे रे, मुझे उसी समय करना था ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है ध्यान रहे आप देखे होंगे कि गाय फिक्स समय पर खाती है गाय फिक्स समय पर दूध देती है क्या कभी नोट किया है क्यों क्योंकि गाय जो है सो क्या है सतोगुनी सतोगुनी जीव है और बंदर कभी भी खा लेता है कभी भी बच्चे को दूध पिला लेता है लेकिन गाय का फिक्स है कि बच्चे को भी वो समय पर ही दूध पिलाएगी दूध देगी या फिर खाएगी भी सब तो हम बात कर रहे थे कि क्या की जब हम हम अपने चित्र में शत्रुगुण बढ़ाना चाहते हैं तो रेगुलरिटी लाने की बहुत आवश्यकता है बहुत जरूरी हो चाहे कैसे भी हो रोज चाहे कैसे भी लगे मंगला आरती जाना है जब करना है रोज उसी टाइम पे करना है रोज उसी टाइम पे खाना खाना है आप अगर आचार्यों को देखें तो ठाकुर भक्ति विनोद जी की तो एकदम फिक्स था इस टाइम पे ये, इस टाइम टाइम पे पे ये ये ऐसा करते थे एकदम फिक्स था रूपा जी का इस प्रकार से था एकदम रूपा जी का भी इस प्रकार से था तो उसके उसे क्या होता है हृदय में क्या होता है तत्वगुण की वृद्धि होती है क्या समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना आ रहा है समझ समझ रहे हैं कि नहीं ऋषभ वो आप प्रभु जी समझ रहे हैं तो अब वह कार्य भी सतोगुणी होना चाहिए अब ध्यान रखिए कोई काम फिक्स कर रहे हैं प्रभु जी रोज हम फिक्स टाइम पे फिल्म देख लेते हैं रोज हम फिक्स टाइम पे गाना सुन लेते हैं फिल्मी गाने तो उससे फिर सतोगुण हृदय में नहीं बढ़ेगा ध्यान रखिए ऐसा नहीं है ध्यान रहे है। साधना में सब कुछ होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी चीज को हम साधना काउंट करना है फिर देखना भी साधना हो गया नहीं इसलिए भक्तों का संग करना बहुत लाभकारी है और उसके लिए भक्तों का संग बहुत लाभकारी है उनके संग में हम रोज बड़े आसानी से यह कर पाते हैं रोज मंगला आरती खुद से करोगे आप तो नहीं हो पाएगा लेकिन भक्तों के संग करोगे तो हो जाएगा अब देख रहे हैं ना हम अभी हम लोग जब कर रहे हैं कि नहीं मॉर्निंग में आप लोग खुद से बताइए कि जब हम लोग साथ में जब नहीं करते थे आप लोग घर में बैठ करके जब करते थे तो क्या हो पाता था डेली बताइए मुझे सोचते थे कि अभी करेंगे ना अभी टाइम है, yes! है। संतोष प्रभु खुद बता रहे थे कि नहीं आज मॉर्निंग में अपना अनुमोदन करते हुए बता रहे थे कि प्रभु जी हाँ हम लोग नहीं कर पा रहे थे लेकिन हम लोग ऑनलाइन जुड़े तो भक्तों की कृपा से जब भक्तों का एसोसिएशन मिला तो हो पा रहा है इसलिए तो हमारा लक्ष्य है कि भाई जो भक्त लोगों को तकलीफ हो रही है उनको जोड़िए है ना ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को लोकल टेम्पल से या फिर कहीं से अलग कर रहे हैं जो जहां पर है वह करे बस साधना साथ में करे भक्तों के साथ बैठकर के करे क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है इतनी गहरी नींद में रहते हैं तो आपका इसमें मैसेज जब आता तो आवाज करता तो हमारा नींद टूट जाता तो मैसेज आ गया

देखा है कहीं पर आप प्लान भी कर लो पढ़ने का मैं गारंटी के साथ करता हूँ हमने अपने जीवन में ट्राई किया नहीं हो पाया नहीं हो पाता है लेकिन अब देखिए भक्तों का संग मिल रहा है तो कर पा रहे ना कर पा रहे ना कितने अच्छे तरीके से हम लोग डेली भगवदगीता पढ़ पा रहे हैं कि नहीं देखिए तो यस यस बिल्कुल घर में तो और नहीं हो पाता तो तो है लेकिन ये हमारा मकसद ही है हमारा एम ही है कि भाई हम इस प्रकार से लोगों को ये जो सेवा चल रहा है उसको हम लोग प्रोवाइड करें और अच्छे से सभी भक्त लोग कर सके हमें कोई दिक्कत नहीं है सभी लोग आइए जब करिए इसलिए तो हमारा निवेदन है कि भाई अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ो सभी भक्तों को बहुत कष्ट हो रहा है बहुत कष्ट हो रहा है सोचिए आप कितने कष्ट में थे आ गए भक्ति माधवरी प्रभु आपकी तरफ से आवाज आ रही है कृपया म्यूट कर लीजिए तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्तों को बहुत कष्ट हो रही है बहुत कष्ट हो रही है कृपा करो फेंको और बचालो उन्हें ठीक है Don't forget, बहुत जोर रही है कि हम लोग साथ में बैठ करके जब करें। और जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं देखिए उनका एकदम साथ समय जब हो जा रहा है ठीक है ना रोज मंगला आती खुद से करोगे तो नहीं होगा लेकिन भक्तों के संग में करोगे तो क्या होगा हो जाएगा बड़ी आसानी से अब बताओ रोज कौन गीता पढ़ता होगा एकदम तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं नहीं पर पढ़ पाते कोई पढ़ रहे हैं हम लोग ना संघ है ठीक है साथ में कार्य करते हैं तो हो जाता है तो कह रहे हैं जो सत् की शुद्धता से उत्पन्न होती है क्या क्या चीज होती है सतुगुन की शुद्धता से उत्पन्न बीमारी से रहित होना ज्ञान और सुख क्योंकि यहां कहा गया है कि सत्व प्रकाश और सुख उत्पन्न करता है इसलिए सत्व गुण अपने कार्यों यथा सुख और ज्ञान के संग होकर जीव को इस अभिमान से बांध देता है कि वह सुखी और ज्ञानवान है समझ रहे हैं शतोगुण सुख और ज्ञान का उत्पन्न करता है तो वह जीव उसके द्वारा बंध जाता है क्या बंध जाता है अरे अभिमान से बंध जाता है क्या मैं कितना अच्छा आदमी मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कितना अच्छा बोलते हैं है? मुझे और क्या करूं कि मैं और मुझे अच्छा बोले है ना मैं इतना अच्छा आदमी हूं मैं इतना अच्छा वैज्ञानिक हूं मैं इतना अच्छा इंजीनियर मैं इतना अच्छा डॉक्टर हूं क्या करूं मैं चुगली भी करता है ओके <laughs> तो आगे कह रहे हैं यहाँ पर यह समझना होगा कि ज्ञान का अर्थ भौतिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और सुख का अर्थ है इंद्रियों और शरीर के प्रसाद शांति से है कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा ज्ञान का अर्थ है भौतिक वस्तुओं को ठीक ठीक उनके स्वरूप में देख पाना रजोगुण में व्यक्ति वस्तुओं को सुख के साधन के रूप में देखता है ठीक है समझ रहे हैं रजोगुण में व्यक्ति वस्तुओं को सुख के साधन के रूप में देखता है और सत्गुण में क्या देख पाता है ठीक है वह है समझ रहे हैं लेकिन जो रजोगुण में व्यक्ति है वह स्त्री धान इन सारी चीजों को कैसे देखता है भोग के रूप में देखता है कैसे मैं इसका यूज कर सकता हूं ठीक है इसको सोचता है कि उसके द्वारा वह रजोगुण के द्वारा सुखी हो जाएगा वह सोचता है मैं ये यूज करके और सुखी हो जाऊंगा अभी आप लोगों का प्रश्न हो रहा था बीएमडब्ल्यू सुखी यूज करके सुखी हो जाऊंगा क्रेटा यूज करके सुखी हो जाऊंगा ठीक है और हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई भी गाड़ी मिले बस जाना होता है क्या बोलते है तो? हम तो चले जाते हैं भले एक एक पैसेंजर ज्यादा बिठा दो तो प्रभु चले जाते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं होती है <laughs> किसी ना किसी तरह से हमें अगर भगवान का प्रचार करना है एक पैसेंजर ज्यादा भी है तो हम लोग क्या कहते हैं पहुंच जाते हैं है ना पहुंच जाते हो ना <laughs> तो इसको सोचता है वह कि रजोगुण के द्वारा कि मैं इसका यूज करूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा लेकिन सत्वगुण में समझता है कि मैं आत्मा हूं और भौतिक वस्तुओं को अपने शरीर के लिए मैं जो उपयोगी है जितना आवश्यक है मैं उतना ग्रहण लेकिन इसके द्वारा मैं सुखी नहीं हो सकता हूं वह जानता है ये बात समझ में आ रही है जितनी जल्दी हमें यह बात समझ में आ जाएगी हम समझे कि हम भौतिक वस्तुओं से हम सुखी नहीं हो सकते उतना हमारे लिए क्या है अच्छा है नहीं तो फिर भौतिक वस्तु में इकट्ठा करते रहेंगे करते रहेंगे और पूरा जीवन उसी में लगा देंगे कि भाई क्या करना है भौतिक वस्तु में कोई इकट्ठा करना है ध्यान तो दस दस गाड़ियां घर पे और जाता किससे है केवल एक गाड़ी से घर बनाना है तो बहुत सारे घर बना दिए रहना किसमें है एक कमरे में बताइए क्या फायदा भौतिक वस्तु में हमको सुखी कर सकती है क्या बीएमडब्ल्यू मिल जाए तो शायद ऋषभ प्रभु सुख हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे क्या बोलते हैं नहीं होगा या फिर बॉम्बे में ताज होटल में एक कमरा मिल जाए तो क्या <laughs> बोलते कि बीएमडब्ल्यू ले, ले लेंगे पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा एक और फर्जियत है <laughs> फिर उसके लिए रोड भी अच्छा चाहिए अच्छा आपको अच्छा 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 अरे बोल उसके लिए रोड भी अच्छा चीज रोड में नहीं चलने वाला है तो आपको रोड भी बनवाना पड़ेगा <laughs> तो इस प्रकार से देख रहे हैं व्यक्ति मतलब रजोगुणी में क्या प्रभाव करता है कि भाई हाँ हम उसको भोग कर सकें और सुख हो जाएंगे लेकिन होते नहीं है ज्ञान और सुख का अर्थ है इंद्रियों और शरीर के प्रसाद मतलब शांति से है मतलब मन में जो इंद्रियों में जो भोग की इच्छा है वही क्या है दुख का कारण ठीक है यह चाहिए वह चाहिए ये लेंगे वो लूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये कर देना चाहिए समझ में आ रहा है हाँ इसको और अच्छा करूंगा तो यह क्या है रजोगुन की वजह से होता है तत्व गुण का लक्षण क्या है अरे हो गया अब और कुछ नहीं बस गीता भागवत पढ़ने में मन लग रहा है जब करने में लग रहा है तो वो हो गया तत्गुण की दृष्टि नॉट सत्तोगुणी व्यक्ति जानता है कि भौतिक वस्तु क्षणिक होती है और उसमें स्वाभाविक भोग की प्रवृत्ति नहीं होती है ध्यान देना पड़ेगा बहुत सुंदर बात है तो है सत्तोगुणी व्यक्ति जानता मैं गाड़ी ले लूंगा या फिर घर बना लूंगा तो ये मेरा क्षणिक सुख है या फिर मोबाइल ले लूंगा तो इससे मेरा क्षणिक सुख होगा परमानेंट सुख नहीं हो ज्ञान और सुख के इन गुणों के संग के द्वारा व्यक्ति पुनः पुनः उन कार्यों में प्रवृत्त होने होगा जो सुख और ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले हैं और और क्या लिख रहे हैं और इस कारण से भविष्य के ऐसे शरीरों का निर्माण होगा जो इन फलों को भोगने के साधन होंगे तत्व में सुख और दुख उत्पन्न होता है क्या नहीं ज्ञान उत्पन्न होता है तो अब और ऐसे वह कार्य करेगा जिससे उसे और क्या उत्पन्न हो जाए सुख उत्पन्न हो जाए समझ रहे हैं वह और सुखी होने के लिए कार्य करेगा और फिर क्या होगा फिर ऐसे शरीरों का निर्माण हो जाएगा जिसको जो पहले किए गए कर्मों के कर्मों को भोगने का निमित्त उसे बनना ही पड़ेगा क्योंकि तो नहीं हो पाएगा लेकिन सत्वगुण ध्यान रखना चाहिए भक्ति या मुक्ति का विरोधी नहीं है भक्ति करने के लिए सत्वगुण में होना बहुत जरूरी है ठीक है सत्वगुण एक एयरपोर्ट की तरह है ठीक है अब एयरपोर्ट पे आप चले गए तो ये जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका चले ही जाओगे लेकिन अमेरिका वाली अगर फ्लाइट पकड़ लिए तो चले जाएंगे लेकिन एयरपोर्ट पे तो जाना पड़ेगा ना आप डायरेक्टली उछल करके उड़ करके तो ये अमेरिका वाली फ्लाइट नहीं पकड़ सकते ना तो उसी प्रकार से सतोगुण है भगवत धाम जाना है भगवान की भक्ति करना है तो उसके ऊपर उसके लिए सतोगुण पर आपको स्थित होना ही पड़ेगा रोज सवेरे उठना ही पड़ेगा जब करना ही पड़ेगा ठीक है तो अच्छे से सत्य सत्य गुण लाना है तो जब करिए अच्छे से सवेरे उठिए भक्ति करिए तात्पर्य प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है कई प्रकार के होते हैं कोई सुखी है मतलब सतोगुण में है और कोई अत्यंत कर्मठ है मतलब रजोगुण है और दूसरा असहाय है मतलब तमोगुण में है ठीक है तो ये मिश्रित है इस प्रकार मनोभाव ही प्रवृत्ति प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है स्पष्ट है गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से हैं सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है जिसकी विचार आज हम लोग कर रहे हैं इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है मतलब अधिक विवेकशील हो जाता है और इंद्रियों के संयम करने मात्र से जानते हैं आप बढ़ता है है तो जो रजोगुण में वह सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं वह क्या है बिल्कुल सही है ठीक है ये मुझे ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं लेकिन सतोगुण वाले व्यक्ति समझते हैं अरे ये सही नहीं है और किस प्रकार से या मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है क्यों नहीं समझ पा रहा है क्योंकि तमोगुण में है रजोगुण में है इस प्रकार से सतोगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता है और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है वह पीड़ित नहीं करता है मतलब काम वासना भोग वासना पीड़ित नहीं करती है दुखी भी दुख भी उसे उतना प्रभावित नहीं करता इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्म से प्राय मुक्त रहा जाता है पाप क्या हो करते हैं व्यक्ति भोग के लिए अब जान गया व्यक्ति कि भोगी दुख का निर्माण करेगा तो फिर क्यों पाप करेगा करोगे ऋषभ प्रभु नहीं करोगे वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है वैदिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव सारी कठिनाइया यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है अहंकार आ जाता है ठीक है इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है इसके उदाहरण वैदिक सॉरी इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं आप जानते हैं इस संबंध में एक इंग्लैंड के फिलोसोफर थे वो बहुत सुंदर कहते हैं कि जानते हो इस संसार में लोगों के पास समय है नहीं सोचते तो है नहीं बिल्कुल लेकिन मैं थोड़ा सा समय निकालता हूँ और थोड़ा सा सोचता हूँ तो लोग मुझे बहुत बड़ा दार्शनिक समझते हैं मुझे मुझे तो तो कुछ भी पता नहीं है लोग मुझे बहुत बड़ा मानते थे तो इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अत उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है ठीक है जैसे स्टीफन हॉकिंस नाम के एक महात्मा थे आप लोग जानते हैं उनकी पूरी शरीर जो चीज तो टेढ़ी हो गई थी बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा था है ना? खाना भी पता नहीं कैसे खाता होगा मुंह भी साथ नहीं देता था देखो बोल रहे मुंह भी साथ नहीं देता था पूरी टेढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी यहीं बैठे बैठे कुर्सी पर व्हील चेयर पर बैठे बैठे विचार करता था क्या भगवान नहीं है <laughs> तुझे टेढ़ा किसने किया ये तो पता तुझे किसने किया ये तो पता पहले ठीक होके दिखा चल तो कर दिया तेरी हिम्मत है चल ठीक होके तो पता करके दिखा ठीक क्यों नहीं कर सकते बता? तो कहेंगे बाय चांस हो गया <laughs> बाय चांस हो गया <laughs> तो बाय चांस बेचारा चल भी गया <laughs> तो मैं, बस मैं थोड़ा हास्य प्रसंग लेकर के बोल रहा हूं ताकि बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है अतएव विस्तो गुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं ठीक है थीके? और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है सोच लीजिए अगर आपके हृदय में इच्छा आ रही है अरे गीता सुनना है मुझे जब करना है मुझे भागवत सुनना है तो यही कर्म कहाँ ले जाएगा आपको वैकुंठ ले जाएगा और मन में इच्छा है फिल्म देखना है भोग करना है ये खाना है वो खाना तो कहाँ ले जाएगा अधोगति की ओर लेके चल जाएगा ठीक है इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोग जाने की कोई संभावना नहीं रह जाता वे यही महान बनना चाहते हैं मैं ग्रेट हूं वे बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु की उन्हीं दोषो में बनते रहता है लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि किस प्रकार से जीव आनंद प्रद है लेकिन जीव क्या आनंद प्रद है नहीं है जीव के जीवन में जब देखो तब दुख ही दुख भरा पड़ा है कूट कूट के दुख भरा है आते रहो ठीक है तो इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे दार्शनिक होंगे आप लोगों के गांव साइड भी होंगे हमारे गांव साइड भी हमने देखा है कई व्यक्ति को हम मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे व्यक्ति को कि भाई जिसने गीता पढ़ा है बहुत अच्छे सुंदर तरीके से गीता पढ़ा है बोला है लिखा है लेकिन फिर भी वह बोलते हैं नहीं ठीक है बल कर सकते हैं ये कर सकते कर सकते हैं अथवा ये अथवा वो या ये करना चाहिए अभी भी पूर्ण समर्पित नहीं हो पा रहे तो ऐसी अवस्था में मतलब हम देख पा रहे हैं कि सतगुण में तो है लेकिन थोड़ा सा अहम के वजह से क्या हो रहा है सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है ओके अरे कृष्णा श्रीमद भगवत गीता यथा रूप की जय जगत गुरुशुलभ की जय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल कीर्तन करना है ठीक है दो मिनट कीर्तन करेंगे आप लोग निकालिए तब तक हम पारायण कर लेते ठीक है मृदंग तो यही है हारमोनियम यस कोई क्वेश्चन भी है दंडवत बोलिए तो वो जी जैसा कि आज वृंदावन से कुछ भक्त लोग मंदिर में आए थे तो हमको बुलाया गया था मंदिर में लेकिन हम क्लास के चलते नहीं जा पाए तो प्रभु जी क्या लग रहा है कि मतलब मन मंदिर जाने से मन कटराने लगा क्या तो ये आप खुद से डिसीजन लीजिए ले कि क्यों नहीं गए आप क्लास सुनने के लिए अगर नहीं गए कि यहाँ पर मेरा सीरीज छूट जाएगा तब तो ठीक है ठीक है लेकिन अगर आपको आजकत आ रही थी ठंडी है या ये है वो है तो फिर ये तो आप देख लीजिए ठीक है yes? यस तो तो तो... Yes, ये आप देख लीजिए प्रभु ओके okay. सो so, नाउ हम लोग फरायन कर लेते हैं पहले अब फिर कीर्तन होगा आप लोग कीर्तन का आनंद ले सकते हैं एकादशी है तो एकादशी स्पेशल पांच मिनट की कीर्तन होगी बहुत ज्यादा नहीं तो पहले थोड़ा हम लोग परायन कर लेते हैं और फिर कीर्तन करेंगे और जो भक्त लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनका स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस प्लीज कम एवरीडे डेली साढ़े छह बजे भगवद गीता क्लास होती है आपने सुना कि की सत्यगुण की वृद्धि करनी है सत्युगुण की वृद्धि करने के लिए प्लीज 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 एवरी आइए और अपने जीवन में सत्युगुण की वृद्धि करिए अरे कृष्णा ओके एक मिनट बस